बॉर्डर, रिफ्यूजी और एलओसी कारगिल जैसी फिल्में बनाने वाले जेपी दत्ता की फिल्म पलटन एक बड़े युद्ध की कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि दत्ता को अपनी इस फिल्म के लिए प्रेरणा भारतीय सेना से ही मिली है। पलटन फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लगभग 50 साल पहले सिक्किम में नाथुला और चोला में हुए एक सैन्य स्टैंड ऑफ पर आधारित है। सितंबर 1967 में नाथुला और चोला में जो हुआ उसकी अविश्वसनीय कहानी, एक लड़ाई जिसके बारे में चीनी शायद ही कभी बात करे और जो भारत के अनगिनत सैनिकों को प्रेरित करती है। वह वर्ष 1962 था। 20 अक्टूबर को जहां एक तरफ हर देश की नजर क्यूबा में सोवियत अमेरिका परमाणु स्टैंड ऑफ पर थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश युद्ध के लिए तैयार थे। तिब्बत और क्षेत्रीय विवादों पर तनाव के चलते चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कश्मीर के अक्साई चीन क्षेत्र और तत्कालीन उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी पर हमला कर दिया। काराकोरम पहाड़ों में 14,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया यह युद्ध एक महीने भी नहीं चला। इस युद्ध में लगभग 2,000 जाने दांव पर लगी थी। इस युद्ध का विजेता चीन रहा, पर मुश्किल से 5 साल बाद ही दोनों देशों की सेनाओं में फिर से युद्ध हुआ। इस बार युद्ध का मैदान था नाथुला, जो तिब्बत सिक्किम सीमा पर रणनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण ऊंचाई वाला पास था। उस समय सिक्किम भारतीय संरक्षण में था, इसलिए यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को बाहरी आक्रमण रोकने के लिए तैयार कर रखा था। इस बात से नाखुश चीन ने भारत से 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान सिक्किम तिब्बत सीमा पर नाथुला के पर्वतीय रास्ते को खाली करने के लिए कहा। जब भारतीय सेना ने इससे इनकार कर दिया तो चीन ने धमकी का सहारा लेना शुरू कर दिया और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास किया। 13 जून 1967 को चीन ने पेंकिंग में दो भारतीय राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया और अन्य कर्मचारियों को दूतावास परिसर में ही कैद करवा दिया। दिल्ली में चीनी दूतावास के कर्मचारियों के खिलाफ पारस्परिक कार्रवाई में भारत ने दयालु प्रतिक्रिया दी। इन प्रतिबंधों को अंततः 3 जुलाई को हटा दिया गया था, लेकिन तब तक चीन और भारत के संबंध बहुत बिगड़ चुके थे। तो जब पीएलए ने सिक्किम तिब्बत सीमा पर 29 लाउडस्पीकर लगाकर भारतीय सेना को 1962 के युद्ध के जैसा नतीजा झेलने की चेतावनी देना शुरू किया, तो भारत ने सीमा पर तारों की बाड़ लगाने का फैसला किया ताकि चीनी सेना को सीमा उल्लंघन का बहाना ना मिले। इसका काम 20 अगस्त को शुरू हुआ। चीनी सेना ने इस बाड़ का विरोध किया और इसके चलते पीएलए राजनीतिक कमिश्नर और भारतीय सेना में पैदल सेना के कमांडिंग अधिकारी कर्नल रॉय सिंह के बीच वाद विवाद हो गया। 7 सितंबर को एक लड़ाई हुई। दोनों सेनाओं के दिमाग में 1962 की यादें अभी भी ताजा थी। 3 दिन बाद चीन ने भारतीय दूतावास माध्यम से एक चेतावनी भेजी, जिसमें भारतीय नेताओं प्रतिक्रियावादी को बुलाया गया था। 11 सितंबर की सुबह जब बिना किसी विवाद के भारतीय सेना ने काम शुरू किया तो पीएलए सैनिकों ने विरोध जताया। कर्नल रॉय सिंह उनसे बात करने के लिए बाहर गए। अचानक चीनी सेना ने अपनी मध्यम मशीन गन से फायर करना शुरू कर दिया। अपने घायल कमांडिंग ऑफिसर को जमीन पर गिरता देख दो बहादुर अधिकारियों के कप्तान डागर और 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह ने भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया और चीनी एमएमजी पोस्ट पर हमला कर दिया। यह लड़ाई खुले मैदान में हुई, इसलिए भारतीय सैनिकों को 2 अधिकारियों सहित भारी हताहत का सामना करना पड़ा। इन दोनों को अपनी बहादुरी के लिए बहादुरी पुरस्कार से नवाजा गया। इस समय तक भारतीय सेना ने तोप के हमलों से चीनी सेना को जवाब देना शुरू कर दिया था। आसपास की हर चीनी पोस्ट पर हमला किया गया। पर्वतारोहियों, ग्रेनेडियर और राजपूतों द्वारा भयंकर हमला करके अगले 3 दिनों में हर एक चीनी पोस्ट को तहस नहस कर दिया गया था। भारत की इस प्रतिक्रिया की ताकत और साहस से अचंभित होकर चीन ने युद्धपोतों को लाने की धमकी दी। अपने संदेश घर को सैन्य रूप से संचालित करने के बाद भारत सिक्किम तिब्बत सीमा पर एक असहज युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। 15 सितंबर को सैम मॉनेकशॉ और जगजीत सिंह अरोड़ा की उपस्थिति में मृत सैनिकों के शरीर का आदान प्रदान किया गया था, लेकिन एक विद्रोही पीएलए अभी भी मौके की तलाश में थी। चोला पास सिक्किम तिब्बत सीमा पर एक और पास नाथुला से उत्तर दिशा में कुछ किलोमीटर दूरी पर है। 1 अक्टूबर 1967 की सुबह यहां का आकलन करते हुए एक बोल्डर पर अधिकार को लेकर चीनी सेना की एक भारतीय पलटन कमांडर के साथ कहासुनी हो गई। आगे की लड़ाई में चीनी सेना ने आक्रमक पदों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन चीनी भूल गए कि वे प्रसिद्ध गोरखा सैनिकों का सामना कर रहे थे। अपनी जमीन पर खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे दुश्मन पर भारतीय सेना ने भयानक हमला किया। सेक्शन कमांडर लांस नायक कृष्ण बहादुर ने इस हमले का नेतृत्व किया और खुद 3 बार चीनी गोली खाई। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और मरते दम तक अपने सैनिकों को
खुकरी से चेतावनी देते रहे। राइफलमैन देवी प्रसाद लिंबू ने अपना गोला बारूद खत्म होने के बाद चीनी सैनिकों पर अपनी खुकरी से निशाना साधा और शहीद होने से पहले 5 चीनी सैनिकों को मार गिराया। उन्हें उनके साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक और जवान हवलदार तिनजोंग लामा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तिनजोंग ने चीनी सैनिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली भारी मशीन गन को अपनी 57 mm गन को अचूक निशाना लगाकर खत्म कर दिया था। कमांडिंग अधिकारी कर्नल KB जोशी ने भी व्यक्तिगत रूप से पॉइंट 15,450 को पुनः प्राप्त करने के लिए कंपनी का नेतृत्व किया था। चोला पास पर यह बंदूकबाजी लगभग 10 दिन तक चली और चीनी PLA की हार के साथ समाप्त हुई। गोरखा सैनिकों ने PLA को कैम बैरिक्स नाम के एक फीचर तक 3 किलोमीटर पीछे जाने को मजबूर कर दिया, जहां वे आज तक तैनात हैं। मेजर जनरल शेरू थापलियाल द्वारा लिखे गए युद्ध के दस्तावेजों के मुताबिक भारत ने अपने लगभग 70 सैनिक को खोया था, तो वहीं चीन के 400 सैनिक मारे गए थे। इस तरह से साल 1962 के युद्ध के कुछ हिसाब नाथुला और चोला पास पर पूरे किए गए। तब से लेकर अब तक सिक्किम के साथ साथ ये दोनों पास भारत के नियंत्रण में हैं। नाथुला फ्रंटियर में चीनी और भारतीय सैनिक केवल 30 मीटर की दूरी पर तैनात हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि नाथुला को 2006 में सीमा व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया था और अब यह एक पर्यटक गंतव्य बन गया है। इस पास के चीनी साइट पर तिब्बत की चुंबी घाटी है, जहाँ PLA गार्ड भारी मात्रा में तैनात है। पास के भारतीय साइट पर एक व्यापारिक पोस्ट है, साथ ही 2 युद्ध स्मारक बहादुर सैनिकों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने देश और सिक्किम राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें, ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।